नमस्कार दोस्तों, गौरा नीटिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे इस तरह का एक और नीटिंग डिज़ाइन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें चार सिलाई लगा लेंगे हम पहले प्लेन, और फिर जो ये हमारे फंदे हैं इन फंदों को हम कर लेंगे आगे की तरफ। देखो, कर लिया हमने आगे की साइड अपने। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके, देखिए जो हमारे ये फंदे, जो हमारे नीडल्स हैं ये तो हमने कर लिया आगे, और जो हमारे कैरेज की हुक्स है ना, इनको हम कर लेंगे पीछे की तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ कर लेंगे क्योंकि हमें अपना कैरेज चाहिए अपनी दूसरी साइड। तो कैरेज की हुक्स हमने दोनों पीछे कर लिए, नीडल्स हमने आगे कर लिए हैं, और पहले हमने कैरेज को कर लिया अपनी दूसरी साइड। ठीक है, अब हमें करना है इस तरह से, हमें इन फंदों को पीछे की तरफ ले लेना है। जो हमारी नीडल्स है ना, पूरा पीछे की, जहाँ तक ये हमारी नीडल पहुँचती है वहाँ तक हम इसे पीछे की साइड ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से भी ले जा सकते हैं हम, और इस तरीके से भी। ये थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए इस तरह से। धागा बिल्कुल हमें ढीला छोड़ना होगा क्योंकि हमारा धागा जो है ये खींच रहा है पीछे की तरफ। तो इस तरह से तो हम इन्हें पूरा पीछे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, देखिए ये तो हमने पूरे जो है, देखिए पीछे की साइड कर दिए। अब इसे हम थोड़ा ऐसे खींच लेंगे आगे की साइड अपनी। खींच लिए, इधर कैरेज की हुक्स हम आगे कर देंगे और धागा हमने कैरेज में लगा दिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी सिंगल नीडल है, ट्रांसफर नीडल, इससे हम करेंगे, देखिए पांच फंदे छोड़ के, 1 2 3 4 एंड 5, 5 फंदे हमने छोड़े। अब 1 2 और 3, 3 फंदों को लिया, और जो हमारी ये नीडल्स है चौथे नंबर की, इस पे हमने ने ट्रांसफर कर दिया। इधर के भी 3 जो हमारी फंदे हैं, 3 फंदे, 1 2 और 3, इन फंदों को हमने इसी नीडल में ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब 5 फंदे हम छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, इन्हें नहीं बुनना, इससे आगे 1 2 3 ले लिया, और 3 नीडल्स, 3 नीडल्स के जो हमारे फंदे हैं उनको हमने चौथे वाले में ट्रांसफर कर दिया। इधर से भी इस नीडल को छोड़ के जो हमारे 3 और आगे हैं, 1 2 3, इनको भी हम ले लेंगे और इसी नीडल में हम इसे ट्रांसफर कर देंगे। फिर 5, 1 2 3 4 5 छोड़ के, 1 2 3 4 में कर दिए इसे, और इधर से भी वही 1 2 3 कर दिया हमने इसमें ट्रांसफर। इसके बाद जो हमारे 5 5 फंदे हैं, इन्हें हम इधर ट्रांसफर करेंगे, एक नीडल छोड़ के दूसरी नीडल में। देखिए ये नीडल हमने छोड़ दी और उससे आगे वाले में हमने इसे डाल दिया। आप इधर भी वही करेंगे हम, एक नीडल छोड़ के इसमें डाल दिए। ठीक है, ये भी 5 है, ये देखिए, एक छोड़ा दूसरे में डाला, एक छोड़ा और उससे अगले वाले में हमने इसे ट्रांसफर कर दिया ऐसे। ये देखिए, ठीक है, अब जो हमारी पीछे की जो हमारी नीडल्स है इन्हें तो हम कर देंगे आगे की तरफ। कर लेंगे हम अब आगे की साइड। ठीक है, अब लगाएंगे हम इस पर 4 सिलाई।
1, 2, 3, 4 लग गई हमारी 4 सिलाई। फिर से वही इन्हें कर लेंगे हम आगे नीडल्स को अपनी, और कैरेज को ले जाएंगे हम दूसरी साइड। धागा हमारा यहीं रहेगा पर कैरेज हम अपनी दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है जी। अब इन फंदों को हल्का सा हम पीछे कर लेंगे और इस तरह से कर दिया हमने इन्हें पीछे। इन्हें आगे खींच लेंगे, कैरेज पे हम अपना धागा लगा देंगे और जो हमारे हुक्स हैं पीछे उन्हें हम आगे की तरफ कर देंगे, ठीक है। फिर वही अभी हमने इस पर अपना डिज़ाइन बनाया था, ये जो हमारे फंदे हैं इसमें जो हमारे बीच का फंदा है ना उस पर हम अब जो हमने एक ही नीडल में हमने जो 3-3 फंदे ट्रांसफ़र किए थे ना उसी वाले नीडल में हम अब ये हमारा सेंटर कर देंगे। इन 5 फंदों में ये बीच का है तो इसके साइड की 1, 2, 3 3 फंदे ले लिए, इसमें ट्रांसफ़र कर दिए 1, 2, 3 3 फंदे ले लिए और हमने इसमें अपने ट्रांसफ़र कर दिए। 1, 2, 3, 4, 5 छोड़े, 2, 3 ले लिए, चौथे में ट्रांसफ़र कर दिए। 1, 2, 3, 4, 5 छोड़े, 1, 2, 3 को लिया, चौथे में डाल दिया। इधर से भी 1, 2, 3 फंदों को लिया और ये चौथे नीडल में डाल दिया हमने, और इन्हें कर देंगे हम एक नीडल छोड़ के दूसरी नीडल में ट्रांसफ़र इस तरह से। Okay. पीछे के नीडल्स को हम करेंगे आगे की साइड, और लगाएंगे इस पे 4 सिलाई। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। ये देखिए इस तरह से आएगा हमारा ये डिजाइन, इस तरह से आएगा हमारा ये डिज़ाइन। ये देखिए ये हमने 4-4 सिलाई पे बनाया था ना, ये 4 प्लेन जो हमने इसमें 4 सिलाई लगाई थी इस पे मैंने 8-8 सिलाई प्लेन लगाई है। आपको जो पसंद आए उस पे आप ये डिज़ाइन बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।